तो अब आज हम बात करेंगे थाईलैंड के ई वीज़ा के बारे में। एक्चुअली जब से ये कोविड हटा है और लोगों ने थाईलैंड जाना शुरू किया है, वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल पे लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम थाईलैंड का ई वीज़ा लगवा लें। तो यह है इसकी ऑफिशियल साइट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ आपने सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है अपने आप को, बस जस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं ऐसा मैंने पूछा जो ना पता हो हमें या ना मिले। सिंपल नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, कब जाएंगे, कब आएंगे, कौन सी फ्लाइट से जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, बस ये सब चीज़ें हमें यहाँ फिलअप करनी है। इसके लिए आप है ना पहले अपने पासपोर्ट का कवर पेज, आपका बायो पेज, ये आप JPG में रखिए सेव करके, और होटल की बुकिंग आप PDF में रखिए, और इंश्योरेंस और आपकी फ़ोटो ये आप स्कैन कर रखिए। ये चीज़ें आपको लगेंगी यहाँ पे। देखा, बहुत बेसिक सी डिटेल्स हैं यहाँ पे। आपने अकाउंट बनाना है इनके वेबसाइट पे। ये इनका जो ई वीज़ा है ये भी VFS टैकल कर रहा है, तो बहुत इजी है। और यार मेरा तो एक ही दिन में लग के आ गया था। बिजनेसमैन, इनकम जो आपको लगे, कोई ऐसे सब प्रूफ नहीं चाहिए आपको यहाँ पे इसका। अगर आप पहले गए हैं तो आप नो कर दीजिए, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो यस कर दीजिए। हालांकि मैं बहुत बार गया हूँ तो मैंने वहाँ नो ऑप्ट किया है। आप जो टाइप ऑफ फ्लाइट है ये, अगर ऑब्वियस चार्टर से जाएंगे नहीं, शेड्यूल फ्लाइट ही होगा। थाई एयरवेज की है तो थाई एयरवेज, अदरवाइज आप अदर करके आपका जो फ्लाइट का नंबर है, मैं जा रहा हूँ स्पाइस जेट से तो मैंने वो एंट्री कराएगा। आपका नाम क्या, पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे वगैरह, मतलब बहुत बेसिक सी डिटेल्स हैं यार ये। जब आपने टिकट्स बुक करेंगे तो आपको सब कुछ पता ही हो जाएगा, मिल जाएगा टिकट्स वगैरह लिखे हुए। देखिए कैसे जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, आने जाने की। इसमें ध्यान रखना कि आप मतलब एग्जैक्ट डेट का ही आपको ये वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा यहाँ पे। अगर आप वहाँ से लगवाएंगे इमिग्रेशन काउंटर के पास में जो बना हुआ है ना स्वर्ण भूमि में, तो 15 दिन का मिलता है, लेकिन यहाँ आपको स्पेसिफिक डेट्स का ही मिलेगा, क्योंकि जो अपना फ्लाइट की डेट दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको वीज़ा मिलेगा। बस ये हमारा लगभग फॉर्म फिलअप हो चुका है, फिर एक बार चेक कर लो। तो ये सब बेसिक एंट्री हमने यहाँ फिल कर दी। डेट के हिसाब से देखो यहाँ पे ना, आपको जो डेज अपना कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ हमें अपना पासपोर्ट का पहला जो कवर पेज जहाँ पे इंडिया का लोगो बना होता है ना, वो डालना है। ये देखिए, क्रॉप को कुछ नहीं करना, मैंने पहले कर रखा है क्रॉप। अब आपको यहाँ बायो पेज और अपनी फ़ोटो, ये फ़ोटो का सैंपल देख लीजिए। ये मैं सब ऐसे डमी डाटा डाल रहा हूँ दिखाने के लिए आपको कि मेरा वीज़ा लग के आ चुका है, तो बस ये स्टेप बाई स्टेप मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। आप अपनी फ़ोटो, आपका कवर पेज और आपका बायो पेज जो पासपोर्ट के हैं, ये स्कैन करके रखिए होटल की बुकिंग PDF के अंदर। और यहाँ यहाँ पे इंश्योरेंस कंपलसरी है। अगर आप ई वीज़ा लेते हैं VFS से तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। मेरा लगभग इंश्योरेंस 580 रुपये का आया था। मैं केयर वाला जो है ना उसका लेता हूँ, पॉलिसी बाजार से आप ले लीजिए, बहुत सस्ते मिल जाएंगे आपको। ये हमारा सब, ये देखो फ्लाइट का आने जाने का टिकट, ये काउंटर पे आपको जरूरत नहीं पड़ती इंश्योरेंस की, लेकिन मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ ये लेके जाना चाहिए। सेफ साइड है, या 500-700 रुपये लगता है, जहाँ पर इतना पैसा लगा रहे हो तो वो सब चीज़ कवर हो जाती है, सेफ हो जाती है। ये सब कुछ हो गया, इंश्योरेंस पूछ लेना यहाँ पे। ये मैं इंश्योरेंस वगैरह सारे लिंक बायो में डाल दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया, बस ये होटल की डिटेल्स
कहाँ रुकोगे, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका प्रोविंस वगैरह काफ़ी, ये आपको जब आप booking.com से कर लेना तो वहाँ आपको सब कुछ लिखा हुआ जाएगा, कौन सा प्रोविंस है, कौन सा क्या है, बस वो यहाँ यहाँ फिल कर देना और आपका बुकिंग कंफर्म। booking.com वाला मस्त चलता है, लेकिन होटल लेके जाना, ये लोग पूछते हैं आजकल कि आपका रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग दिखाइए, चाहे आप वहाँ जाकर कैंसिल कर दो लेकिन यहाँ से लेके जाना। ये देखो लगभग मेरा हो चुका है, बस अभी यहाँ अग्रीमेंट वगैरह यशस करना है और डन, पेमेंट किया और वीज़ा बहुत फास्ट। देखिए यहाँ एक एक्सप्रेस वीज़ा का भी ऑप्शन आता है, मत लेना। ये देखो आप देख रहे हो पूरा डिटेल क्रॉस चेक, ये नीचे जो है ना ऑप्ट एक्सप्रेस वीज़ा, या मेरा वैसे ही एक सेम डे मैं शाम को किया था शायद, और नेक्स्ट डे शाम को लग के आ गया था, तो क्यों एक्सप्रेस वीज़ा लेना भी आपको। 2000 baht फीस है, 500 baht इनका VFS का चार्ज ले लिया, ये देखो डबल हो रहा है ना, तो क्या मतलब है यार, 10,000 का वीज़ा कौन लेता थाईलैंड का भाई। ये पेमेंट किया, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो मेरे पास मेल आया है C2C का मेल आया है, और तो देखिए अब मैं आपको चेंज करता हूँ स्क्रीन। ये देखो ये मेरे पास मेल आ गया, ये वीज़ा नहीं है, कंफर्मेशन मेल आया कि भाई आपका ये सबमिट हो चुका है, और इसके बाद एक मेल और आया था कि भाई इमिग्रेशन में चला गया, इमिग्रेशन ब्यूरो में चला गया आपका रिव्यू करने के लिए। ये देखिए लिखा दिस इज नॉट अ वीज़ा, अपडेट देख लीजिए, ये नेक्स्ट डे आया था मेरे पास में कि भाई ये आपका हमने आके भेज दिया है ब्यूरो में वेरीफाई होने के लिए, और लगभग थोड़ी देर बाद में पास एक और मेल आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इन्होंने यहाँ खुश खुश दे दिया, ये आ गया, तो मतलब बहुत फास्ट सर्विस है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम वहाँ जाएँ और दो दो तीन 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 घंटे वीज़ा वाले की लाइनों पर लगे रहें, उससे बेटर है कि आप दो तीन दिन पहले ये कर लीजिए, पैसा आपको यहाँ भी देना है, पैसा आपको वहाँ भी देना है, तो बेटर है, लाइन आपको लगना बच जाएगा, टाइम देख लीजिए आप। सेम डे इमिग्रेशन काउंटर पर गया था, ब्यूरो ऑफिस में गया था, और सेम डे ही अप्रूवल होकर आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वीज़ा कैसा दिखता है इसका, ये दोनों आया मेरे पास में, ये वीज़ा ई वीज़ा का कॉपी है, ये देखिए वीज़ा लग गया, मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दी हैं, बाकी ये है वीज़ा, ये आपके देखिए स्पेसिफिक डेट्स पे आएगा, और ये पेमेंट की रिसिप्ट है, ये भी चाहिए हमको, दोनों यहाँ का फिर निकालना है। ये है पेमेंट, ये दोनों चेक करते हैं, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।